withdraw to the media. Well, so before we go to the last questions and then we take a break, this question is to Mr. Pandey. What are your plans through Rahul Multidisciplinary Research Center? Mr. Pandey. जी राजेश जी, राहुल मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन इज द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड लिटरेसी एंड सोशल एक्टिविटी सेंटर. एक जो डिजिटली डिजिटली प्लेटफॉर्म देता है ये, और इन द कोलैबोरेशन विद द अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट एंड विकल्प educational and research foundation. The RMRC program continues the involved children from the village and surrounding village where online and offline good touch program, good touch and bad touch or adolescent education program and skill development work with children. Our effort is this that my village children do not have to go out. It is my thinking. हमारा प्रयास इसमें चल रहा है कि हम बच्चों को डिजिटली जोड़े और उनको कनेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम अपने गांव के बच्चों को बाहर पलायन ना होना पड़े. इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप हमने बना रखा है और उनको जिन चीजों के लिए शहर भाग के जाना पड़ता है वो उनको हम अपनी कोशिश दे रहे हैं, कर रहे हैं कि उन्हें वो चीजें यहाँ मिल पाए. और काफी हमने देखा है काफी बदलाव आ चुके हैं बच्चों में. इस पे काफी 3-4 साल से हमारे काम चल रहे हैं. जी थैंक यू. पांडे जी मेरा एक सवाल है आपसे. आपने जो स्किल के बारे में बात किया, अभी जो बच्चे हमारे युवा युवाजन जो जो विलेजेस में रहते हैं, क्या बाई दे बीइंग एजुकेटेड इज इट नेसेसरी दैट दे शुड लीव आउट द थिंग्स दैट दे हैव टू डू राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग लाइक द फार्मिंग एग्रीकल्चर और एनीथिंग दैट दे आर डूइंग.